हाँ जी नमस्कार दोस्तों, पहलू टिशन यूट्यूब में आपका स्वागत है। दोस्तों हम देखो कैसी जगह आ गए हैं, मुझे भी नहीं पता, अब आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन आज हम वर्कआउट करने वाले हैं, बिल्कुल ऐसा वर्कआउट। भाई आज भीतर बैठ जा, मेरे भीतर बैठ जा रहा है भाई, रुक जा मान जा। तो आज एक ऐसा वर्कआउट करने वाले हैं, फुल वीडियो देखोगे तो आपका 10 से 12 किलो वेट लॉस हो सकता है। और बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं, आज एक ऐसा वर्कआउट बताने वाला हूं जो कहीं आपको जिम में भी नहीं जाना है या कि तो पार्क में भी जाना है, जित भी आपका फंसा है उड़े वर्कआउट कर देना है। और आज ये वर्कआउट मैं बताने वाला हूं, हैवी जिनका वेट होता है वो जैसे ये नहीं कर सकते, तो उनके लिए मैं एक नेक्स्ट लेवल का वर्कआउट लेके आया हूं। थैंक यू सो मच, वीडियो पूरी जरूर देखना। हाँ जी दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं एक हैवी जो वेट होता है वो अपने वेट से क्या परेशानी, मतलब कितनी परेशान हो सकती हैं, कितनी लेडीज हैं, कितनी माता बहन है मेरी जो अपने वेट से परेशान है, न्यूट्रिशन भी पता नहीं कितना खा चुकी हैं। लेकिन न्यूट्रिशन आप कितना ही भी खाओ, जब तक आप वर्कआउट नहीं करोगे तब तक कोई बेनिफिट नहीं लगेगा। तो आप बोलोगे यार सर मैं जिम में नहीं जा सकता या मैं पार्क में नहीं जा सकता, तो घर पर छत्ता होगी ना, मैं समझ सकता हूँ भाई नहीं जा सकते, तो वहां से ही मैं शुरू करता हूँ। या आपका रूम तो होगा ना, रूम से हम शुरू करेंगे। जैसे हम पहले सबसे पहले वार्म अप करेंगे, या तो छत पे आप जॉगिंग कर सकते हो हल्की हल्की, ये सीधे गए फिर ये बैक, ठीक है। या अगर आपके पास भाई ज्यादा एरिया नहीं है तो वॉकिंग, पहले यहाँ पे हाथ रखना है फिर ये, ये आपने कंटिन्यू मेरे हिसाब से आपको 2 या 3 मिनट तक लगातार ऐसे ही करते रहना है। पहले स्पीड में आगे जाना है फिर ऊपर ये पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब आपकी ये 5 मिनट हो जाए, 5 मिनट के बाद हम करेंगे, अभी वार्म अप हमारा हुआ है वार्म, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। एक तो जो चेस्ट का फैट है उससे ज़्यादा परेशान है, चेस्ट का फैट है और आर्म्स का फैट है, जो ये हमारे हाथों का फैट है कहने का मतलब बात करें तो चेस्ट के लिए हम शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जैसे 20 ये करनी है आपने और 20 ये करनी इधर लिया हुई है, ऐसे रखना है। अगर आपको आपसे ये पुशअप्स नहीं लगती है तो ये घुटने रख लो और ये लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर होल्ड करना जरूरी है, ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 करने के बाद यहां पे होल्ड रखना है, होश की कोशिश करना, साइड में लिया फोन को, कैमरे को साइड में लिया और ऐसे उठा के रखना है, ये कोशिश करना, ये रखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपने ऐसे ऐसे करके 4 सेट लगाने हैं। जैसे हम मैं शुरू से बता देता हूँ, जैसे पहले ये मारना आपने 20 का कंटिन्यू, फिर 20 पुशअप्स लगानी है और फिर 20 सेकंड तक आपने होल्ड रखना है। ये हमारा एक वर्कआउट हो जाएगा, कोई निगंदे कपड़े तो ऐसे ही चलते रहते, ठीक है। तो एक वर्कआउट के मैंने 3 सेट बता चुका हूँ जो आपके चेस्ट से भी रिलेटिव है और आपके आर्म्स फैट से भी रिलेटिव है। लेकिन आज मैं बताने वाला हूँ आपको एक तो हिप्स का जो फैट है उससे रिलेटिव और एक लेग्स का फैट है उससे रिलेटिव, ठीक है। वो आपने क्या करना है स्टार्टिंग में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लगाने के बाद एक बार नीचे बैठ के दिखाओ दीपक आप इनको, ये पैर यहाँ पे मैं रखता नहीं हूँ, यहाँ पे उठा के रखता हूँ, ये देखो ये ऐसे नहीं, ऐसे कर लिया मैंने, ऐसे नहीं करना। अगर आप हैवी वेट हो तो आप 1 2 3 ऐसे आपने 20 लगानी है, ठीक है। उसके बाद मैं और आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपने ये ऐसे करना है और ये 1 2 जंप नहीं ले सकते तो नीचे गए ऊपर उठ जाओ, 1
तू काउंटिंग गिनो, फिर भी नहीं यहाँ पे आगे। टू थ्री थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। ब्रीथ आउट हर उसमें करना है आपने, और आप साइड में ले आके दिखाओ कैमरे को दीपक, कि मेरे जो हिप ये हिप से पीछे जा रहे हैं और ये नी है जो इससे आगे नहीं जा रही, ठीक है। 13 ये 14, हिप्स को पीछे लेके जाना हुआ है। 15 16 17 19 20 20 के बाद आपने यहाँ पे होल्ड कर रखने की कोशिश करनी है, उसके दो हाथ रख लेना, लेकिन कोशिश करनी कमर टाइट रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। उसके बाद मैं एक और बताऊंगा, जैसे हमने लेग्स के लिए भी तीन बताने, पहले हमने बताए हैं जो चेस्ट के लिए तीन है, उसके बाद लेग्स के लिए भी तीन है, और आर्म्स के लिए भी जो तीन बताए थे मैंने, उसके बाद आपने पहले ऐसे कर रहे थे, उसके बाद आप ये ऐसे कर लो, ये मिला लो, ठीक है। कोशिश करो ये, और फिर ऐसे 20 गिनो भाई। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। हिप्स देख सकते हो आप मेरे बिल्कुल पीछे जा रहे हैं। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 के बाद फिर 20 सेकंड तक आपने ये रखना है, और कमर टाइट, और ये 1 2 3 4 5 6 पूरा नीचे भी नहीं बैठना, ये देखो कितना गैप, साइड में लाके दिखाओ गैप। 9 10 और कमर ये रखनी है, ये नहीं रखनी आपने। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 चीटिंग करता है मेरे साथ। तो ये तीन मैंने जो वर्कआउट बताए हैं आपको अच्छी तरीके से करना है, ठीक है। उसके बाद तीन बताने वाला हूँ मैं पेट के वर्कआउट, आपको इजी वर्कआउट बताऊंगा बिल्कुल पेट के, जो आप अपने घर पे कर सकते हो। उसके बाद 1 2 ऐसे झटका नहीं मारना, ये होल्ड रखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ये भी आपने 20 करने हैं। इसके साथ के साथ में आपने 20 ये करनी है, साइड में भी दिखा देना दीपक। 1 यहाँ पे होल्ड करना है, बैठना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 सेकंड तक आपने ऐसे ही साइड में दिखाओ लिया कैमरा, ऐसे ही हाथ रखे रखना है, और ये हिप्स उठा के और ये रहना है। 1 2 और ब्रीथ आउट करते रहना है। 3 4 5 6 7 8 9 पूरा नीचे नहीं बैठना, हिप्स उठा के रखना आपने। तो दोस्तों आज हम ये वर्कआउट कर रहे थे, बिल्कुल एडवांस लेवल भी नहीं बोलूंगा, ज्यादा बिगनर भी नहीं बोलूंगा, हैवी वेट लॉस वर्कआउट था ये। इसमें आपने मैंने जो स्टार्टिंग में बताया उसके आपने 3 सेट लगाने हैं, उसके बाद जो वर्कआउट और बताया मैंने लेग्स के लिए उसके 4 सेट लगाने हैं, और इस पेट वाली के भाई 2 लग गए, 3 लग गए, या 4 लग गए, या 5 लग गए, या 6 लग गए, 6 भी लग गए ना तो 1.5 पक्का लगेगा। थैंक यू सो मच। वीडियो हमारी कैसी लगती है इन्हों कहें, देख अपना अपना दम पाड़ रहा है, मारे पड़वा रहा। तो ये भाई देखो मेहनत करोगे ना दम भी पाटेगा, सब क्यों होगा, ठीक है। अभी मेरा वार्म अप चल रहा था, अब मैं वार्म अप हो गया हूँ, अब मैं दिखाइए भाई लेग्स का वर्कआउट करूँ आज मैं।
लेग्स तो खुद हो गए ये। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऐसे ही प्यार बनाए रखना।